गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे देखे आपने कि पूजा तो खत्म हो चुका है। आज थोड़ा लेट भी हो गया है मेरी पूजा में, और अब मैं बनाऊंगी चिकन। तो चिकन जो कल लेकर आई थी मॉल से, ये मैं डिफ्रेज में तो रख दी थी, तो बर्फ हो गया है, पूरा आइस हो गया है। तो इसको मैं एक घंटा पहले पानी के अंदर डाल के रख दिया है। और ये जो कवर है ना, वाटरप्रूफ कवर है, मैं ऐसे ही रख दी थी इसके साथ ही पानी में। फिर देखा थोड़ी देर के बाद पूजा खत्म हुआ ना, मैं देखी कि यो बिल्कुल भी मत पूरा ना अच्छे से ये नहीं मेल्ट नहीं हुआ, जैसे रूम टेम्परेचर में आना है ना, वो अच्छे से रूम टेम्परेचर में आया नहीं था। चिकन कवर को फाड़ के फिर पानी डाल के रखी हूँ। तो फिर 5 मिनट के बाद मुझे इसका मैरिनेट करना है। आज मैं बनाऊंगी अफगानी चिकन। अफगानी चिकन दो टाइप का बनता है। एक मिनट में इसको स्टैंड को रख देती हूँ। ओके अभी ठीक है। अब फिर बच्चों का ना क्लास हो जाएगा, 10:50 ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी बच्चों का एक ब्रेक हुआ है। फिर 10 मिनट्स के बाद फिर से क्लास शुरू हो जाएगा, तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। इससे पहले कि मैं सोची कि बात कर लूँ आपके साथ, वेलकम कर लूँ आपको, नहीं तो फिर खाना बनाते बनाते काम करते करते आप लोग मुझे देखोगे बिना बात किए हुए। अभी दोनों का क्लास यहीं पे ही करते हैं हॉल पे, उनको अच्छा लगता है। और पूजा करती हूँ, धूप का स्मेल आता है ना, माइंड अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। तो अभी हो गया टाइम और 5 मिनट्स मेरे पास है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और बाबू का तो 10 मिनट ब्रेक मिलता है ना, वो फर्स्ट से मोबाइल में कुछ देख लेता है वीडियो। बस बाबू थोड़ा साउंड कम कर ले जी। यहाँ पे ये बैंगल्स ऐसे रख दी थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, अभी ड्राई हो रहा है स्किन, विंटर आ गया ना, पूरा ड्राई हो रहा है स्किन। तो आज चिकन में वही बनाऊंगी अफगानी चिकन, बहुत दिन से मैं बनाई नहीं हूँ। और अफगानी चिकन का ना मैं सोच रही थी थोड़ा ग्रेवी बनाऊ, ग्रेवी भी बनता है, पर बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा ड्राई खाएंगे, तंदूर की तरह खाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, पूरा मैरिनेट कर दूंगी, दही जो जो मिलाएंगी इसके अंदर मैं दिखाऊंगी, वो रेसिपी मैं अच्छे से दूंगी, क्योंकि ये नया रेसिपी है, मैं कभी मेरे चैनल पे दी नहीं हूँ चिकन का। ज्यादातर चिकन में मैं कबाब, बिरयानी, नहीं तो चिकन कोसा इस टाइप का बना लेती हूँ। ये सारे आइटम कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ना ज्यादा मेहनत लगती है, मैरिनेट करो फिर ये करो उसको, फिर तंदूर बनाओ उसको, फिर ये करो, इसलिए मैं ये कम करती हूँ। वैसे तो चिकन कबाब बना लो तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, मुझे भी, तो वो ज्यादातर बनता है। तंदूर ये सब कभी कभी बनाती हूँ। एक चिकन तंदूरी रेसिपी मैं दी थी, इतना वो अच्छा बना था और वो वीडियो मेरा फर्स्ट वायरल हुआ था, वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसको मैं यहीं पे ही लिंक दे दूंगी ऊपर, आप जरूर देखिए वो तंदूरी चिकन। अगर कोई मिस किए हो, नहीं देखी हो, तो जरूर देख लीजिए। चिकन तंदूरी के साथ मैं शायद बनाई थी चिकन बिरयानी, ये बनाई थी दोनों। उसके बाद अब कुछ ऐसा तंदूर वाला बनाऊंगी, अफगानी भी ना एक तंदूरी की तरह ही हो। तो कल हमारा शुरू हो जाएगा लक्ष्मी पूजा। और अनु तो नहीं है, अनु मैडम कल से गई है जयपुर, उसकी ससुराल गई है 7 दिन के लिए, 1 वीक के लिए। क्लास स्टार्ट हो गया बच्चों का, तो चलिए चिकन धोकर मैरिनेट करके बनाते हैं चिकन अफगानी। अच्छा हुआ ना मेरी बात में बोल दी। और आप लोग सोच रहे होगे ना, ये एक 2-3 दिन गैप रह गया, क्या करूँगी, मतलब फैमिली के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर दी, चार दिन पूरा बंद करके, इनका जितना छुट्टी था कल ही हम लोग गए बाहर, नहीं तो बाहर भी नहीं गए थे, बस घर पे ही हम लोग एंजॉय किए, चिल आउट किए, इतना ही था। और गुरुवार को, कल गुरुवार में भी मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं वो भी ब्लॉग दूंगी। पहला गुरुवार है, फर्स्ट गुरुवार होगा ये मगरसिन महीना का। और ये हमारा ना, हमारे ससुराल में सबका तो अलग अलग होता है, उड़ीसा में भी, पर हमारा जो गुरुवार है वो पहला गुरुवार अष्टमी नहीं जाता है, इसलिए हमारे ससुराल में तरफ से जब तक अष्टमी नहीं जाएगा तब तक रंगोली, जो हम लोग चावल पेस्ट से बनाते हैं रंगोली, वो नहीं देना है, और दिया भी नहीं जलेगा। हमारा जो बोलते, हमारा जो होता है ना पूजा के टाइम हम लोग साउंड करते ऐसा, ये भी नहीं होगा। हमारा ये कुछ कुछ रिचुअल है, मेरे सास ने हमें हर साल मुझे बोलते हैं कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। मैं बोले हाँ माँ मुझे मालूम है, अभी मुझे याद हो गया, इतने साल हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, तू कभी भूल जाएगी तो वो कर देगी तो हुड़ू, नहीं नहीं, पर हुड़ू भी नहीं करना है, बस अगरबत्ती जो धूप होता है वो धूप दे देना है, खीर भोग लगाना है, मतलब फर्स्ट थर्सडे को खीर भोग कंपलसरी है, वो खीर भोग लगाना है। गुरुवार मीन्स वो लक्ष्मी का वो माना पूरा बैठता है, वो मेरे ससुराल में ही होता है, वो एक ही जगह पे भी होगा मेरे ससुराल, अभी तक ससुराल में ही होता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोटो को पूजा कर लेते हैं। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो मेरी उड़िया फ्रेंड्स है उनको शायद लगेगा कि मैं फोटो में नॉर्मल पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि मैं यहाँ पे माणा नहीं बिठाती हूँ, मेरी ससुराल में ही अभी तक माणा बैठता है।
मेरी कोई भी, हम लोग चारों जो बहू है, चारों बहू में किसी को भी अभी हम लोग फोटो ही पूजा करते हैं। किसी के भी घर में अभी तक हम लोग प्रॉपर जो गुरुवार का पूजा होता है, जो माणा बैठता है, वो अभी तक हम लोग नहीं करते। मेरी ससुराल में ही वो पूजा होता है, तो सास अभी तक करते हैं। और हम लोगों को कभी कभी अगर जाना होता है तो हम लोग जाते हैं, पर अभी तो बहुत साल से नहीं जा पा रहे। क्या हो गया? वो जो धूप दी थी ना, वो कैंडल था उसके अंदर, जो दिवाली में आते हैं ना राउंड सा कैंडल, उसके ऊपर मैं रख दिया था। मैं देखी नहीं थी कि उसके अंदर कैंडल है, तो वो इसलिए ज़्यादा धुआं आ रहा था, तो बाबू चिल्ला रहे, तो मैं एकदम क्या हो गया और मुझे भी स्मेल आया, तो मैं उसको लेकर बाहर रख दिया है तुलसी के पास। अब मैं बिठाऊंगी राइस। राइस में ना मैं पानी देकर भिगो दी थी, और मैं ये हांडी में बनाऊंगी, तो इसके अंदर ही राइस बिठा दूंगी, इस पे ही बिठा दूंगी, इसके अंदर क्या इस पे अभी लगा दूंगी। पानी सब रेडी कर दी थी, मैं दाल नहीं बनाऊंगी आज से। मुझे आज ना रोहू काफला ऐसा कुछ फिश खाने का बहुत मन हो रहा था। मेरे मम्मी के घर में भी बनाए फिश, तो मम्मी सुबह सुबह वो सोनू यानी कि मेरी जो भाभी, छोटी भाभी नहीं भाभी, वो उसे छुट्टी है तो मैं सोनू ही बुलाती हूँ, सोनू और मम्मी दिखा दिए फिश इतना सारे, तो मैं देख के ना मेरा लाल टपक गया है, मुझे फिश ही खाना है। पर फिश को ना फोन करूँगी तो आ जाएगा, पर चिकन को क्या करूँगी, तो इतना फिश रखूँगी नहीं, कल तो वैसे भी थर्सडे है, तो आज ही चिकन बना दूँगी, फिर बनाऊंगी संडे के दिन फिश, संडे का सुबह फिश बनाऊंगी, फिश फ्राई ऐसे कुछ कर दूंगी। चिकन आधा धो रही थी, गैस आ गया, मैं गैस हांडी को देख के रखती हूँ। सारे चिकन के पीसेस में ऐसे कट लगा देंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जाएगा और मैरिनेट अच्छे से होगा। बड़ा बड़ा पीसेस है इसलिए अच्छे से कट लगाएंगे, सारे पीसेस में कट लगाएंगे। तो चिकन को मैंने अच्छे से धोकर, ये जो बड़ा सा क्या बोलते इसको, मैं हम लोग तो बेसिन बोलते हैं, एक बड़ा सा कुछ बर्तन में रख लेंगे। मेरा चिकन तो 1 किलो 200 का है, 1 किलो से ज़्यादा है। और ये जो अफगानी चिकन बनाने के लिए ना बड़ा बड़ा पीस लेना है, जैसे हम लोग तंदूर खाते हैं ना, बड़ा बड़ा लेंगे ना तभी तो अच्छा लगेगा वो। तो ऐसे ही रख दिया धोकर। तो ये देखिए, ये सब चाहिए चिकन अफगानी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। ये है ग्रीन चिली, खूब सारा चाहिए क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। और ये है 1 कटोरी पूरा भरकर धनिया पत्ता, और ये 2 स्पून काजू चाहिए, काजू इतने चाहिए, और 1 हाफ नींबू चाहिए, 1 जो लेमन का हाफ चाहिए, और 1 बड़ा सा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून चाहिए। ये मैं ज़्यादा ही ले लिया है, आप 2 स्पून लेना, क्योंकि 1 ही स्पून में ना मैं ऐसे ही रख दिया है, और ये 2 स्पून का मेजरमेंट है। और ये हंकर चाहिए, एकदम गाढ़ा वाला दही चाहिए हमें, ये देखिए पूरा गाढ़ा वाला दही होना है, गाढ़ा वाला दही 1 कटोरी चाहिए। और ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का पाउडर है तो
ब्लैक पेपर होल नहीं चाहिए, नहीं तो ब्लैक पेपर होल साबुत ब्लैक पेपर जो है आप इसके अंदर देकर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अगर पहले से आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को बना सकते हैं, सेम ही अभी थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक लेकर आप एक साथ अभी पेस्ट बना सकते हैं। अफगानी चिकन बनाने के लिए जो मैरिनेशन चाहिए अभी हम लोग बनाएंगे, वो पेस्ट बनाएंगे। ये पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर दूंगी मैं ये ग्रीन चिली, अब दूंगी मैं इसके अंदर धनिया पत्ता, ग्रीन चिली आपके टेस्ट के हिसाब से दीजिए, अगर थोड़ा कम चिली खाते तीखा तो कम चिली देंगे, और हम लोग तो तीखा ज़्यादा खाते हैं और ये मैं अफगानी में थोड़ा तीखा ही बनता है तो मैं तीखा दूंगी ज़्यादा, ये तो बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा काजू, लास्ट में प्याज। जो मैं अभी अभी जो इंग्रेडिएंट्स डाली हूँ आप इसको पहले आगे प्याज भी डाल सकते हैं, बाद में काजू भी डाल सकते हैं, फिर धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जैसे डाली हूँ वैसे डालना है, मैं इसे दे दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये पूरे कटोरी भर के कर्ड, पानी बिल्कुल नहीं देंगे इसमें, इससे ही पेस्ट बन जाएगा। लेमन और पेपर चिकन के अंदर ही डाल देंगे डायरेक्ट। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल 2-3 स्पून डालेंगे, फिर चिकन में 1/2 लेमन डालेंगे, फिर डालेंगे पेपर पाउडर, पेपर पाउडर भी ज़्यादा क्वांटिटी का चाहिए, 2-3 स्पून चाहिए क्योंकि चिकन ज़्यादा क्वांटिटी का है। अब जो ये पेस्ट करके रखे थे ये पूरा मसाला चिकन के अंदर डाल देंगे, और लास्ट में डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके 1/2 घंटा ऐसे रख देंगे, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटा भी रखिए, नहीं तो ओवरनाइट भी बना के रख सकते हैं, पर फ्रिज के अंदर रखिए, ओवरनाइट ऐसे बाहर तो नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा चिकन। फ्रिज के अंदर ओवरनाइट रख कर फिर नेक्स्ट डे बनाइए तब भी बहुत अच्छा लगेगा, 1/2 घंटा भी रख सकते हैं अगर टेंडर चिकन हुआ तो। अब मैं इसमें दूंगी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, पर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कसूरी मेथी देंगे तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। पर चिकन को ऐसे बड़ा बड़ा करके कट करना है, और ये रहा कसूरी मेथी, बस मैं इसको भी 1/2 घंटा के लिए मिक्स करके मैरिनेट करके ढक के रख दूंगी। काफ़ी टाइम हो चुका है, मिनिमम 1 घंटा करीब करीब चिकन मैरिनेट भी हो गया। मैं बनाऊंगी चिकन तंदूर, क्योंकि अभी टाइम कितना है दिखा देती हूँ, टाइम नहीं दिखाया आज, टाइम हो रहा है ये 1:10, लेट हो गया, मैं थोड़ा बैठ गई थी, एडिटिंग कर रही हूँ ना साथ साथ में, कोई बात नहीं थोड़ा लेट हो जाएगा आज। ये रहा चिकन मैरिनेशन, अच्छे से मैरिनेशन हो गया है, अब इसको करते हैं ग्रिल। मेरी माइक्रोवेव में ऑलरेडी सारे फिक्सचर अवेलेबल है, जैसे मैं तंदूर चिकन बनाने के लिए कितने टाइम क्या है पूरा सेटिंग वो है, इसलिए मैं ऑनली मुझे इंडियन रेसिपी जाकर सेटिंग कर देना है टाइमर, तो वो हो जाता है, इसलिए मैं माइक्रोवेव का कोई भी ये नहीं दे सकती, क्योंकि सबका तो अलग अलग होता है ना माइक्रोवेव, तो जिसके जो ग्रिल है आप ओवन में ग्रिल कीजिए या तंदूर बनाइए, नहीं तो आप तवा में भी बना सकते हैं, जैसे ग्रिल तवा आता है नॉर्मल तवा में भी हाई फ्लेम में ये जो चिकन को उठा के पूरा जो उसका जो मैरिनेशन का जो पेस्ट पूरा झाड़ देना है, फिर बटर में या फिर ऑयल में उसको फ्राई करना है एकदम हाई फ्लेम में, तभी ये पूरा अच्छे से पकने के बाद ये ग्रेवी को देना है, नहीं तो आप अगर ऐसे सूखा खाने को पसंद करते हो तो फिर ये पानी जरूरत नहीं, आप कम कर दीजिए, एकदम मेजरमेंट करेक्ट हो जाए। मैं तो 1/2 सूखा बनाऊंगी तंदूर का और 1/2 बनाऊंगी ग्रेवी, तो मैं ज़्यादा कर्ड यूज़ करती हूँ, तो चलिए पहले बना देते ग्रिल चिकन, उसके बाद वो जो बनेगा ग्रेवी। अब माइक्रोवेव पैन में मैं ऑयल को ग्रीस कर दिया है, ऑयल और बटर दोनों मिला के मैं ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारे चिकन पीसेस, ऐसे झाड़ झाड़ के डालना है, इसमें से भी बहुत सारे जूस निकलेगा ग्रेवी।
अब जाएगा ये ओवन के अंदर ग्रिल होकर निकलेगा। थर्टी वन मिनट्स। मेरा है ऐसा, अगर किसी का सैमसंग का ये वाला ओवन है तो आप सेम बना सकते हैं, किसी दूसरे का है तो आप अपने हिसाब से बनाइए, चिकन को ग्रिल कीजिए। एक साइड हो गया है, अब इसको फ्लिप करूंगी, दूसरे साइड को भी करूंगी ग्रिल। अब फ्लिप कर दूंगी मैं चिकन को और 10 मिनट के लिए मैं एक्स्ट्रा ग्रिल करूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जूस है ग्रेवी के अंदर तो मुझे एकदम ड्राई चाहिए, इसलिए 10 मिनट टाइम सेट कर दिया है। अब इसको चिकन को अच्छे से ग्रिल करूंगी, तब तक मैं बनाऊंगी ये जो चिकन अफगानी का ग्रेवी। तो पैन में मैं बटर ले लिया, बटर गर्म होने के बाद, पिघलने के बाद मैं सारा ये पेस्ट डाल दूंगी, जो मसाला फिर थोड़ा से धोकर पानी दे दिया है। अब इसको बॉईल आने तक मैं पकाऊंगी। अब मैं दूंगी इसमें एक मैजिक, ये जो कोल को मैं गरम करूंगी, गरम करके वो जो ग्रेवी के अंदर मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगी, तभी वो अफगानी चिकन खाने का मज़ा ही लगेगा, बहुत मज़ा लगेगा। अब ज़रूर ये रेसिपी बनाइए। ये देखिए एकदम परफेक्ट ग्रिल हुआ है, अब हम ये चिकन को डालेंगे ग्रेवी के अंदर। अब मैं ये सारे जो ग्रिल की थी चिकन ग्रेवी के अंदर डाल दूंगी, आधा डालूंगी और आधा तो ऐसे ही खाएंगे बच्चे, तो एक्स्ट्रा मैं और 5 मिनट के लिए भी ग्रिल करूंगी सेपरेट। अभी जितना चाहिए ग्रेवी के लिए थोड़ा निकाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिला दूंगी ग्रेवी के अंदर चिकन को, और एक बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी। देखिए ग्रेवी थोड़ा सा सूख गया है, अब मैं एक कटोरी ग्रेवी के अंदर रखूंगी और इसमें अब मैं रखूंगी कोल को रख कर एक स्पून ऑयल देकर तुरंत ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूंगी, गैस बंद कर दूंगी। 10 मिनट हो चुका है और देखिए कितने अच्छे से अभी तक स्मोक है उसके अंदर, अब इसको निकाल देंगे। मामा गुटे गिन्ना डाल लो गुटे प्लेटे। ये आ गया है गरम गरम चिकन ग्रिल, इसको ग्रीन चिकन भी बोल सकते हो, चिकन हरियाली अफगानी चिकन, वाओ। और ये रहा बाबू का लेग पीस, और ये रहा मामून का लेग पीस, और मेरे लिए एक पीस। अब मैं दूंगी आज का मेन रेसिपी, वो है चिकन अफगानी। स्मोकी फ्लेवर सुंगले तू भी सुंगले, मिलेगा नहीं दोनों सुंगलो। कैसा लगा? वाह टेस्टी। आज छाड़ो खाई में पूरा स्पेशल खाएंगे नहीं मम्मा। मुझे चिकन का ग्रेवी चाहिए था। हाँ ग्रेवी दो ना, चिकन अफगानी का ग्रेवी बहुत टेस्टी होता है, इसको राइस के साथ भी मिला के खा सकते हैं। तो जो बोनलेस दू ना, बोन दू मामा? बोनलेस। और ये है हमारा छाड़ा खाई का लंच, आज तो मैं छाड़ा खाई बना रही हूँ वेडनेसडे में, छाड़ा खाई स्पेशल। ये देखिए हरियाली चिकन तंदूर और अफगानी चिकन, ये दो रेसिपी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। फर्स्ट आई विल ट्राई मेन डिश। ओके आई ट्राई राइस। ये तो मेरा ही बेटा निकला। यम्मी। और कुछ नहीं बोल सकता नहीं।
फुल रेस्टोरेंट स्टाइल ने मामा ऑनियन लाना बोल रही मामा मामा यू आर द बेस्ट थैंक यू बाबू थैंक यू सो मच ऑनियन लाना भूल गई हूँ थोड़ा ऑनियन नहीं खाऊंगी ना इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा इतना अच्छे से परफेक्ट कुक हुआ है एकदम सॉफ्ट किस किस के मुंह में पानी आया जरूर बोली आप लोगों को तो खिला नहीं सकती इसलिए आप लोगों के तरफ से मैं खा रही हूँ ये बाइट आप लोगों की तरफ से वाह बाबा इतना अच्छा बना है ना क्या बोलूं और बाबू तो एकदम खाने पे मग्न है मैं क्या बात बोल रही हूँ ना उसको अभी सुनाई नहीं दे रहा उसके बारे में भी मैं बुरा भी बोलूंगी ना उसको सुनाई नहीं देगा बाबू तो ऐसे भी गुड बॉय नहीं है नटी बॉय है देखो एकदम पूरा चिकन में मग्न हो गया इसको बिल्कुल ये कान बंद कर दिया है बस मुंह खुला रखा है आंख खुला रखा है ना बाबू पूरा खाने में चिकन 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 थोड़ा स्मोकी फ्लेवर ना इतना मस्त लगता है और चिकन को एकदम अच्छे से फ्राई करना है अगर आप तवा में भी करोगे तो होगा पर इसको अच्छे से पानी को पूरा सूखने तक पकाना है बोला दोनों के बीच में टाई हो गया है और फ्रेंड आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि अभी खाना खाने के बाद मुझे एडिटिंग में बैठ जाऊंगी कल का ब्लॉग थोड़ा ही हुआ है अभी मुझे 3-4 घंटा लगेगा फिर आज तक वीडियो भी पब्लिश कर दूंगी आप लोग देख पाओगे फिर रहती हूँ मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय फ्रेंड्स बाय 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 लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय